हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं आज इकोनॉमिक्स से टॉपिक। ठीक है, तो जो हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। ठीक है, तो आज देखना चाहेंगे हम मुद्रा पूर्ति की मांग। यहां से भी क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता रहता है। ठीक है, तो मुद्रा पूर्ति के माप में आपने सुना होगा चार पांच टर्म, M0, M1, M2, M3, M4। ठीक है, ये सबके बारे में जानेंगे आखिर होता क्या है। तो सबसे पहले तो जानिए कि M0 को क्या बोलते हैं, आरक्षित मुद्रा बोलते हैं। ठीक है, आरक्षित मुद्रा बोलते हैं, इसको बोल सकते हैं रिजर्व मनी। M1 को क्या बोलते हैं, संकुचित मुद्रा। ठीक है, संकुचित मुद्रा। और M3 को बोलते हैं व्यापक मुद्रा, व्यापक मुद्रा। तो M0 क्या होता है, इसमें किस प्रकार के मनी को हम M0 बोलेंगे। ठीक है, मेनली ये चारों के बारे में याद रखना है। M0 में होता है संचलन में मुद्रा, संचलन में मुद्रा प्लस RBI के पास बैंकों की जमाएं, बैंकों हाँ ठीक है, RBI के पास बैंकों की जमाएं, बैंकों की जमाएं। और क्या होगा, प्लस इसी में लिखते हैं RBI की अन्य जमाएं, RBI की अन्य जमाएं। ये हो गया आपका आरक्षित मुद्रा। ठीक है, अब है M1। तो M1 में ध्यान देना है कि जनता के पास मुद्रा, जनता के पास मुद्रा प्लस बैंकों के पास मांग जमा, बैंकों के पास मांग जमा। ठीक है, कहीं पे आप देखेंगे बचत जमा, तो बात एक ही है। ठीक है, बैंकों के पास मांग जमा या फिर डिमांड डिपॉजिट या बचत जमा रहेगा, और इसी में रहेगा प्लस RBI की अन्य जमाएं, RBI की अन्य जमाएं। अब ध्यान देना है M2 और M3 में, तो ध्यान देना है इसको M1 और प्लस M1, M1 में ही प्लस करके हम देखेंगे क्या, इसमें देखेंगे डाकघर की मांग जमा या बचत जमा। ठीक, यानी डिमांड डिपॉजिट, डाकघरों की, डाकघरों की मांग जमा। ठीक है, ये डिमांड डिपॉजिट जमाएं। ठीक है, अब है M3 में, M1 तो रहेगा, प्लस क्या लिखेंगे, बैंकों के पास, बैंकों के पास मियादी जमा, मियादी, कुल मियादी जमा। ठीक है, तो मियादी जमा क्या होता है, मियादी यहां टर्म इसको ध्यान देना है, फिक्स डिपॉजिट। ठीक है, और टर्म डिपॉजिट, या इसी को बोलते हैं फिक्स डिपॉजिट को हिंदी में सावधि जमा। ठीक है, तो ऐसे मनी को बोलेंगे M3। ठीक है, अब M4 में M3 प्लस लिखेंगे, फिर ये 2 और 4 को एक साथ सम्मिलित करके याद रखिएगा, डाकघरों की कुल जमा, डाकघरों की कुल जमा, घरों की कुल जमा। कुल जमा में क्या होगा, यहाँ पे डिमांड डिपॉजिट यानी मांग जमा आएगा, साथ में वही फिक्स और टर्म डिपॉजिट, फिक्स और टर्म डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट ये आएगा। ये हो गया आपका M1, M2, M3 और M4। अब इसको याद रखने के लिए तो ये पहला और दूसरा कोई ना क्या है, रिलेशन करके आप याद करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और M2 और M4 को एक साथ, उसी तरह से 1 को और 3 को भी देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि M1 है यहाँ बैंकों की मियादी जमा है, यहाँ भी बैंक से रिलेटेड है, ये RBI की अन्य जमा है, तो अपना कुल लगा के आप इसको याद रखिए। अब ध्यान देना है कि हमने यहाँ बता दिया संकुचित मुद्रा M1 को बोलते हैं, ठीक है, और M3 को व्यापक मुद्रा बोलते हैं, इसको अर्थशास्त्र में साधारण मुद्रा भी कहा है, यानी कि सबसे ज्यादा जो मुद्रा सामान्य रूप से पाया जाता है वो M3 ग्रुप में ही पाया जाता है, इसलिए तो व्यापक मुद्रा भी उसको कहा गया है। तो NCERT में देखेंगे तो M1 और M2 को संकुचित मुद्रा बताया गया, और M3 और M4 को क्या कहा गया है,
व्यापक मुद्रा कहा गया है, तो एनसीईआरटी के अनुसार भी याद रखना है। साथ ही साथ एक तरलता पूछा जाता है, तो तरलता सबसे अधिक होता है M1 का, फिर M2 का, फिर M3 का, M4 का, ये सीरीज होता है। ठीक है, तो यहाँ से मुद्रा पूर्ति की माप से रिलेटेड क्वेश्चन यही पूछा जाता है। संकुचित मुद्रा यदि पूछा जाए तो बोलेंगे M1 होता है, व्यापक मुद्रा पूछा जाए तो जनरली क्या है M3 होता है। ठीक है, तरलता की बात किया जाए तो सबसे तरल अधिक होगा कौन, M1, और सबसे कम तरल कौन होगा, M4 होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देख लिया मुद्रा पूर्ति की माप। आज कल मिलते हैं ज्योग्राफी के टॉपिक के साथ, आज भर के लिए इतना ही रहने देते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। ठीक है, चलिए।